हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राज किचन। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्राउन ब्रेड चीज़ी सैंडविच। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी मैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड, ये 4 स्लाइसेस लिए हैं इस तरह से, और इसके साथ ही मैंने लिया है इसमें पोटैटो लिए हैं, बॉयल पोटैटो लिए हैं मैश करके। तो सबसे पहले चलिए इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें डाल देते हैं नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे एक मैंने हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने मिला लिया है सारी चीज़ों को, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा मिला लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो चलिए पहले ब्रेड के स्लाइस को ले लेते हैं और इसमें लगाते हैं। तो ये देखिए, पहले एक ब्रेड को ले लेते हैं और उसके बाद इस पर हम ये जो मैंने पोटैटो को मिक्स करके रखा हुआ है इस पर लगा लेते हैं, इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से लगा लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से लगा लिए हैं, इस तरह से सारे ब्रेड में लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों ब्रेड में लगा लिए हैं, और इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, और हल्का सा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके ऊपर लगा देते हैं हम बटर। इस तरह से लगा देते हैं पूरे पैन में फैला के। और इसके बाद ये जो मैंने ब्रेड के स्लाइस को रखा हुआ था इसको इस तरह से ऐसे पोटैटो की साइड से रख देंगे सिकने के लिए। इसमें जितने आ जाएंगे उतने मैंने रख दिए हैं, तो इसको सिक जाने देते हैं पहले। ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने फुल कर दिया है ताकि पोटैटो थोड़ा अच्छे से सिक जाए। उसके बाद हम इसमें और सॉस वगैरह लगाएंगे। इसको इस तरह से घुमाते हुए इसको सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। और इसको एक मिनट के लिए इसे सेक जाने देते हैं ताकि जो नीचे पोटैटो मैंने लगा कर रखा हुआ वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसे सेकने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये सेक चुका है अच्छे से। और इसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे इसके ऊपर वाली लेयर पे बटर, फिर उसके बाद पलटेंगे। इस तरह से बटर लगा देते हैं। तो ये देखिए, मैंने तीनों में बटर लगा दिया है और इसको हम पलट देते हैं। और गैस मैंने बंद कर दिया अभी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये कलर आ गया है, ये अच्छे से कुक हो चुका है जो हमने पोटैटो को डाला था। और अब इसी के ऊपर ही हम लगा देंगे इसमें टोमेटो सॉस। सारे में लगा देंगे ऐसे। तो ये देखिए, मैंने तीनों पे लगा दिया है टोमेटो सॉस। और इसके बाद इसमें हम लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके सेजवान चटनी। आप चाहें तो इसकी जगह हरी चटनी, हरे धनिया की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से सारे पे लगा देते हैं। तो ये देखिए, मैंने सेजवान चटनी भी लगा दी है। और इसके साथ ही इस पे डाल देंगे अनियन। इस तरह से लगा देंगे अनियन को। आप चाहे तो टोमेटो भी लगा सकते हैं।
ये देखिए अनियन भी लग चुकी है, तो अब इसमें हम डालेंगे चीज़ डाल देंगे, मोजरेला चीज़ मैंने लिया है, इसको भी इस पे डालते हैं, सब इस तरह से डाल देते हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से सारे पे लगा देंगे। तो ये देखिए चीज़ को मैंने सारे ब्रेड में लगा लिए हैं और गैस भी ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है और इसको हम कवर कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि ये जो चीज़ है और ब्रेड भी अच्छे से कुक हो जाएगा, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और ब्रेड में नीचे हमने बटर पहले ही लगा दिया था, तो 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है चीज़, और नीचे से भी चेक कर लेते हैं, नीचे से भी अच्छे से हो चुका है, इसका गोल्डन हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बन के तैयार हो चुका है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है इस तरह से, आप इसे सॉस के साथ या हरी चटनी या ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मेरी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।